हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबको? मेरा नमस्कार। मैं दिनेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी इन हिंदी पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान विद्युत विभाग की JVNL हेल्पर की भर्ती परीक्षा के बारे में। तो दोस्तों, मेरे जितने भी वीडियो थे JVNL के सभी पर ज़्यादातर मेरे को जो कमेंट देखने को मिले थे कि सर एग्जाम के अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा क्या, कौन से डिस्कॉम की कट ऑफ आई रहेगी, कौन से की कम रहेगी, एंसर की कब आएगी, रिजल्ट डेट कब आएगी, ये बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले थे। तो मैंने सोचा इस पर सभी को रिप्लाई देने से अच्छा है एक वीडियो बना के सभी को इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो आपके सारे डाउट मैं इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। फिर भी आपके मन में कुछ डाउट रह जाता है या फिर आप मेरे से कुछ पर्सन कोई बात पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए इस रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास ही बने इस बेल आइकन बटन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना दोस्तों, ताकि जैसे ही कोई JVNL की अपडेट मिलती है सबसे पहले अपडेट आपको मेरे द्वारा दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जैसे कि आपको मेरे द्वारा बनेगी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा आपके मन में ये क्वेश्चन है कि नॉर्मलाइजेशन सर होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो आपका नॉर्मलाइजेशन है इस एग्ज़ाम में नहीं होने वाला है दोस्तों। जहाँ तक कि ओपिनियन लगभग जितने भी अभी तक न्यूज़ देखने को मिली है सब में यही बता जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप सोच रहे हो कि इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होगा तो एक बार मेरे हिसाब से RG गुप्ता की तरफ से भी अपडेट मिली थी कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा इस एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन तो होगा नहीं। अगर आपके मन में डाउट है कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो वो डाउट आप मन से निकाल लीजिए। बात करते हैं दूसरी, तो कौन से डिस्कॉम की कट ऑफ हाई रहेगी और कौन से डिस्कॉम की कट ऑफ कम रहेगी। तो पहले आप मैं बता दूं, अगर आप जोधपुर डिस्कॉम से हो या फिर जयपुर डिस्कॉम से हो या फिर आप अजमेर डिस्कॉम से हो या फिर RRVNL डिस्कॉम से आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर आप जिस भी डिस्कॉम को हो वहाँ के आप एक बार कटअप जरूर देख लीजिएगा। बात करते हैं कौन से डिस्कॉम की कटअप हाई जाएगी। तो दोस्तों, जो कटअप हाई जाने वाली है वो अजमेर की जाने वाली है। सबसे हाई कटअप आपको अजमेर की देखने को मिलेगी, जो दोस्तों 82+ जा सकती है। बात करते हैं जोधपुर डिस्कॉम की, उसके बाद रहेगी जोधपुर डिस्कॉम की, तो वो 80 यानी 80+ रहने वाली है। उसके बाद में कटअप जाएगी जयपुर की, तो जयपुर की जो कटअप है वो 78+ देखने को मिलने वाली है। और उसके बाद जो कटअप रहेगी वो RRVPVL की रहने वाली है, वो 76+ रहने वाली है। आप कैटेगरी वाइज कटअप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके कैटेगरी वाइज अपने डिस्कॉम की कटअप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा कटअप रहने वाली है अजमेर की और सबसे कम रहने वाली है RRVPNL की कटअप। तो दोस्तों, ये थी कटअप की बात। अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी और रिजल्ट आंसर की यानी कब आएगी आपकी। एग्ज़ाम तो आपका कंप्लीट हो गया था 3 जनवरी को, बात है रिजल्ट की। तो रिजल्ट से पहले आपकी एक आंसर की आएगी जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्शन के लिए टाइम मिलेगा। जितने क्वेश्चन उसमें रॉन्ग या होते हैं आपको लग रहे हैं रॉन्ग है तो आपको ऑब्जेक्शन के लिए टाइम दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्शन के लिए जैसे आंसर की फरवरी के 2nd सप्ताह तक जारी हो सकती है, तो उसके बाद आपको 10 दिन का 10 या फिर 7 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा आपको ऑब्जेक्शन करने के लिए। तो आप ऑब्जेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके 10 दिन बाद यानी कि फरवरी लास्ट वीक या मार्च के 1st वीक तक आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। अभी तक की पुराने रिजल्ट का रिकॉर्ड में देखते हुए आंसर की जितने दिनों में जारी होती है उस हिसाब से आपके फरवरी लास्ट यानी 2nd वीक में आपकी आंसर की जारी हो सकती है और फरवरी लास्ट वीक में या फिर मार्च के 1st वीक तक आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तो अभी आपके सामने यहाँ पर एक वीडियो शो हो रहा है, उस पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख लीजिए। उसके अंदर बताए गए हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। और उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर या मेरे प्लेलिस्ट में जाकर प्रत्येक डिस्कॉम की कटअप भी देख लीजिएगा कि कौन से डिस्कॉम की क्या क्या कटअप रहने वाली है। अब जैसे ही मेरे को कोई नई अपडेट मिलती है सबसे पहले अपडेट आपको मेरे चैनल के द्वारा दे दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बाय।